नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। विधानसभा के घेराव की तैयारी कर रही कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने आरोप लगाया है कि कार्यकर्ताओं को भोपाल आने से रोका जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश ने कहा है कि अभी कार्यकर्ताओं को रोका गया तो ब्लॉक स्तर तक आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश आंदोलन की तैयारियों को लेकर खासे उत्साहित हैं। आंदोलन को लेकर प्रदेश भर से मिल रहे फीडबैक ने पार्टी नेताओं का जोश बढ़ा दिया है। प्रदर्शन से एक दिन पहले मीडिया से चर्चा में कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में आने से कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। कल के आंदोलन को लेकर भी उपापह की स्थिति प्रशासन ने मचा के रखी हुई है और ये हमारी बात कहने का लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या करने का प्रयास प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार करती रही है। प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन में आने से रोका गया तो ब्लॉक स्तर तक आंदोलन होगा। हमारे लोगों को रोका गया तो शिवराज सिंह जी याद कर लेना, यहां रोक सकते हो, लेकिन ये हर ब्लॉक में इस तरह से मोर्चा लगाने का काम कांग्रेस पार्टी इस जनता के दुख दर्द की जो अभ्यक्ति के लिए करेगी। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे कार्यकर्ताओं की संख्या का अनुमान बताने से परहेज किया। हालांकि दावा किया गया है कि प्रदेश भर से कार्यकर्ता भोपाल आ रहे हैं, यह आंदोलन आम आदमी के आक्रोश की आवाज है। भोपाल से न्यूज आज की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।